driving all the way. नहीं एक पैर automatic गाड़ी है. तो भाई और बहनों जरूर गौर से देखो क्योंकि आज हम लोग पहली बार इंटरनेशनली ड्राइव कर जा रहे हैं और मैं ये क्या कर रही हूँ. तानिया आराम से ओके टर्न डन. कोई नहीं आ रहा कोई नहीं आ रहा. अब हम लोग गंभीर एक्सप्रेशन बनाएंगे ये दिखाने के लिए जैसे कि हम लोग बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ड्राइव करते हुए. एंड ओ सक्सेसफुल पहली बार इंटरनेशनल ड्राइव कर रहे हैं और करते करते रोड अच्छी दिख रही है यार. काफ़ी नीट एंड क्लीन है. गाड़ियाँ भी कम है दैट्स द बेस्ट पार्ट. ओके आई कैन टोटली डू दिस. सब सही है चलो. हे हाय गुड मॉर्निंग गाइस. तो ये रहा मेरा रूम. मैं हो चुकी हूँ तैयार और आज हम लोग फाइनली शुरू करने वाले हैं हमारा कैंपिंग एडवेंचर. तो हमें हमारी कार मिलने वाली है विच इज़ गोइंग टू हैव टेंट्स एंड ऑल कैंपिंग इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग. ओके बट क्योंकि आज हमारा इस रिज़ॉर्ट में आखिरी दिन है ये रिज़ॉर्ट जहाँ पे मैं रह रही हूँ तो मैं चाहती थी कि एटलीस्ट क्योंकि हम लोग अगले कुछ दिनों तक कैंप साइट में रहने वाले हैं तो मैं चाहती थी कि एटलीस्ट आज मैं आपको दिखा दूँ फाइनली कि हमारा वन एंड ओनली रिज़ॉर्ट जहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं वो कैसा था. तो इस रिज़ॉर्ट के तीन की फीचर्स हैं. सबसे पहले कम्फर्टेबल बेड्स एंड गुड रूम्स. सेकेंड एक स्विमिंग पूल बिकॉज आजकल कोई स्विमिंग करे ना करे इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स तो हर किसी को चाहिए होती है. एंड थर्ड एक रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग बहुत सारा मुफ्त का खाना खाने वाले हैं. वैसे एक्चुअल में मुफ्त का नहीं है. द ब्रेकफास्ट कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द रूम कॉस्ट तो क्योंकि वो ऑलरेडी पेड फॉर है मैं तो बहुत सारा खाना खाने वाली हूँ. ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू गो पिक अप आवर कैंपिंग व्हीकल एंड हियर इज आवर मैन हु इज हेल्पिंग अस. सो हियर वी गो. Yeah, they put everything is inside. Okay, पता नहीं मैं अपनी excitement कैसे control करूँ because this is going to be the vehicle that we are taking for the self-drive adventure. Okay, तो इससे पहले कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा confused हो जाए, let me explain the whole situation. मैं अभी 11 दिन के लिए नमीबिया की रोड्स पे होने वाली हूँ और कुछ रोड्स तो बहुत ही ज़्यादा रगेड भी होंगी. सो वी ऑब्वियसली नीड अ वेरी वेरी पावरफुल व्हीकल एंड दिस व्हीकल दैट यू सी इन फ्रंट ऑफ मी इज एग्जैक्टली दैट. और न केवल ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है वी इट्स ऑल्सो वेरी वेरी केपेबल इन टर्म्स ऑफ कैंपिंग बिकॉज वी हैव टेंट्स ऑन टॉप ऑफ इट एंड वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ कैंपिंग इक्विपमेंट इन साइड द व्हीकल. लाइक दिस किचन दैट यू जस्ट सी. लुक एट दिस ब्यूटिफुल किचन विद लाइक अ पॉट दीज ग्लासेस और ये एक्चुअल ग्लासेस है. वाओ दिस इज fragile stuff. Okay. So to hold up for your body, hold on. Just. So India में जैसे driving होती है वही side है, so left hand side driving over here. और इसके सिवाय even tire pressure वगैरह check करने के लिए पूरा एक mechanism है. We have kitchen equipment and tools inside the vehicle. And Joshua over here is explaining to me exactly कि क्या क्या है इस गाड़ी में. तो wow, I am तो totally impressed. So I'm really excited for this. That's a police number. Yes. So all thanks to the two of them, our car is all ready and loaded up, and it's over there on the road. Yes, you can start driving and have fun. We see you when you come back. Yay. Thank you so much. All right. Bye. तो वो time finally आ चुका है जब मेरा drive test होगा. और इस ट्रिप में मैं एक्चुअली अकेली नहीं हूँ. वाइल्ड प्लैनेट्स की तरफ से भी मेरे साथ कोई मौजूद है क्योंकि ये सब अकेले करना बहुत मुश्किल होता है. आपको क्या लगता है क्या इस पॉइंट पे मुझे डर लग रहा था? अगर आपको ऐसा लगता है तो शायद आप मुझे अभी तक पहचाने ही नहीं इस चैनल के थ्रू. हाँ ऐसा नहीं है कि आई एम एन एड्रेनलिन जंकी और समथिंग बट डर शायद मुझे बहुत कम सिचुएशंस में लगता है. शायद एक्साइटमेंट इज द राइट वर्ड. एक्साइटमेंट मुझे जरूर होती है कुछ नया ट्राई करते करते. और अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ड्राइव टेस्ट पास किया कि नहीं किया, आई थिंक आई काइंड एंड नेल्ड इट बिकॉज फॉर द नेक्स्ट 11 डेज योर गर्ल विल बी ड्राइविंग इन नामीबिया. Cannot because again solid line aa gayi. So this is very interesting. Solid line means that you cannot go over to the other side. So abhi road pe jaise dekh sakta hai, dekh raha hoga ki it's a solid line for me. Oh now it's a dotted line, but samne se vehicle bhi kaafi speed se aa raha hai. So rush karna chahiye overtake. We managed to overtake that truck which is moving at 60. तो हम लोग जा तो रहे हैं पर लेट मी एक्सप्लेन कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं.
तो आज हम लोग एक जगह जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड ओचीवरांगो. एक्चुअली ओचीवरांगो के पास में एक कैंप साइट है एंड अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है. वी आर जस्ट गोइंग टू द कैंप साइट बिकॉज आज के दिन ज़्यादा लंबा ड्राइव करना सेंस नहीं बनाता बिकॉज इट्स जस्ट द फर्स्ट डे. तो ओचीवरांगो में जाके हम लोग केवल कैंपिंग करने वाले हैं. वैसे यहाँ पे गेम ड्राइव भी की जा सकती है बट गेम ड्राइव तो हम लोग ऑलरेडी पिछले एपिसोड में कर चुके हैं. हाँ बट एक चीज़ की जा सकती है. तो इसी के साथ साथ हम लोग अपनी कैंप साइट पहुंच गए और अगर ये पुम्बा रास्ता नहीं क्रॉस करता ना तो ऑनेस्टली मुझे ये कैंप साइट कभी नहीं मिलती. इस कैंप साइट का नाम है ओचीवा कैंप साइट. हाँ यहाँ की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, समझ जाओ. और ये है इस जगह का बहुत ही फैंसी लुकिंग सा रिसेप्शन. हाँ हम लोग कैंप साइट में रह रहे हैं. ओह डिड यू नोटिस दिस? हाय हाय, जस्ट केम इन टू इंट्रोड्यूस यू. आई एम टाइमी. हाय टाइमी. और जी हाँ, इस कंट्री में पानी की थोड़ी सी कमी है बट यहाँ पे स्विमिंग पूल आपको ओकेजनली जी नहीं सारे रिजॉर्ट में मिल ही जाएगा. और यहाँ से हम लोग अपनी कैंप साइट की तरफ जाएंगे जहाँ पे कुछ देर में मेरे बुरे दिन आने वाले हैं. सो प्लीज बेयर विद मी. हैव एंटीलोप्स राइट इन फ्रंट ऑफ अस. आई एम वेरी, क्या बोलते हैं उसे, मतलब इस एडवेंचर और इस चैलेंज को लेके मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि ऐसा मैंने पहले कभी कुछ नहीं किया है. सो दिस इज़ वेरी न्यू, वेरी रॉ, वेरी रियल फॉर मी क्योंकि कैंपिंग इतनी रॉ मैंने कभी पहले नहीं एक्सपीरियंस की है. वेर यू जस्ट हैव दिस व्हीकल फॉर योर सेल्फ, वेर यू गोइंग टू बी कुकिंग एंड ऑल ऑल्सो. बट एटलीस्ट फॉर टुडे आई एम नॉट गोइंग टू कुक बिकॉज द लॉज ओवर हियर हैज़ लाइक अ रेस्टोरेंट एंड एवरीथिंग. सो आई वोंट एटलीस्ट हैव टू कुक एवरीथिंग. सो द कुकिंग पार्ट विल कम लेटर. पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये बना भी है कि नहीं बन रहा. At least on the first day or the first few days, getting used to things is very important. Yaar, getting used to things, toh hum log baad mein karenge. But pehle please somebody explain ki ye jo tent ko unfold aur fold karte hain, ye kaise manage kar sakte hain? Kyunki meri to isme kaafi jaan lag rahi thi. Honestly, if you want to enjoy me struggling for the next few minutes, then please continue watching. Camp is set up. काफ़ी मेहनत लगी इसमें एंड आई थिंक आई विल टेक एटलीस्ट अ फ्यू डेज टू गेट यूज्ड टू इट. बट द सन इज सेटिंग अप एंड आई थिंक वी हैव सम गुड टाइम. गुड मॉर्निंग गाइज. इन केस यू आर वंडरिंग कि सुबह सुबह टेंट में उठना कैसा लगता है, ये बाय द वे मेरा टेंट है अभी, लेकिन बहुत लाइट आ रही है बाहर धूप से, धूप की. सो एंड इट्स प्रीटी कोल्ड राइट नाउ. इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम फ्रीजिंग बट नेवरदलेस इट वाज प्रीटी नाइस स्लीपिंग इन द नाइट. यहाँ पे ये मेरे टेंट में मैंने अभी अपना बेड बना दिया है बिकॉज वाई नॉट. सो लास्ट नाइट एक्चुअली मैंने व्लॉग इसलिए बंद कर दिया बिकॉज आई डिड नॉट रियली कुक डिनर ओवर हियर इन द कैंप. यहाँ पे जहाँ पे रिसेप्शन पे हम लोग आए थे पहली बार तो वहाँ पे ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट था. सो आई जस्ट वेंट एंड एट ओवर देयर. That was that. But the camp experience was pretty nice. I mean, quite unusual, I would say. It's something that you don't get to experience on the ordinary. So I quite liked it. And look at this. Literally sitting on the ladder. क्या आपको ASMR पसंद है या क्या आपको सिर्फ कॉफी पसंद है? जो भी पसंद है, हम लोग अभी कॉफी बनाने वाले हैं. जी हाँ, मैं कॉफ़ी की तौहीन करने वाली हूँ इंस्टेंट कॉफ़ी बना के. बट आई डोंट थिंक मुझे इंस्टेंट कॉफ़ी पीने में आज से पहले इतना कभी मज़ा आया होगा. तो हाँ बस कुछ इतना ही था मेरा कैंपिंग एक्सपीरियंस. और अगर आपको ये लगा कि मेरे को टेंट को अनफोल्ड करने में मेहनत लगी तो कैन यू इमेजिन कि मुझे इसे वापस फोल्ड करने में कितनी मेहनत लगी होगी.
और ये करते करते मेरी उंगली भी कट गई, which was really bad news because tetanus. And I had to go to a doctor, get a tetanus shot. But anyway, ये सब हम लोग करने वाले हैं अगली वीडियो में, so stay tuned because अगर आपको इतनी वीडियो रोमांचक लगी तो अगली वीडियो और ज़्यादा रोमांचक होने वाली है. So stay tuned, like this video, share this video, subscribe to my channel and I'll see you next time. Bye! So yeah, you need to be fully prepared. And do it with a smile anyway.